सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सके और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अवनी। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फेस क्रीम बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। दोस्तों ये फेस क्रीम को बनाने के लिए आपको जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको आपके घर में आपकी किचन के अंदर बहुत आराम से मिल जाएंगी। इसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी जो ये क्रीम है ये बनकर तैयार हो जाएगी। अब इससे हमें फायदा क्या क्या मिलने वाला है तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली कहूंगी जिनके चेहरे पर एक्ने होते हैं और उनके जो निशान रह जाते हैं, तो इस क्रीम से फायदा क्या होगा कि जो एक्ने हैं और उनके निशान हैं वो तो दूर होंगे ही, साथ ही जो नए एक्ने जो निकलते रहते हैं उनको उनमें रोक लगेगी, नए एक्ने निकलने नहीं देगा। स्पेशली अगर आपके चेहरे पे दोस्तों ग्लो नहीं आ पाता, आपके चेहरे पे निखार नहीं आ पाता, तो आपके चेहरे पे निखार आएगा, चेहरा पे एकदम अच्छा सा ग्लो आएगा, साथ ही आपके चेहरे पे जो डेड सेल्स हैं उसको दूर करने में ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो बहुत बातें हो गई हैं, अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इस क्रीम को बनाने के लिए। क्रीम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लाल गुलाब का यूज़ किया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहे तो पिंक, येलो या फिर व्हाइट कलर का गुलाब है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने कच्चा दूध ऐड किया है और अब इसको मिक्सी जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लीजिए। अब हम इसको छान लेंगे। इसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क जो है वो कम लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूँगी। ये मैंने कच्चा दूध ही यूज़ किया है, आप भी कच्चा दूध ही यूज़ करना, उबला हुआ दूध बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर गुलाब और मिल्क दोनों के गुण आ चुके हैं और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चावल का आटा। तो 2 चम्मच चावल का आटा हमें इसके अंदर ऐड करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे हमारा एक गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। इसको हम उठा के रखेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने चावल को भिगो के रखा हुआ है, इसका जो पानी है हमें अलग से निकाल लेना है, ये पानी हमें यूज़ लेना है। एक पैन को गर्म कर लीजिए और इस पैन के अंदर हम लोग ये जो चावल का पानी है इसको ऐड करेंगे। तो लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ किया है। अब इसके बाद हमने जो गाढ़ा पेस्ट तैयार किया था इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैंने जो गैस है वो बिल्कुल मीडियम हीट पे की हुई है और इसको हमें लगातार चलाते रहना है। इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमने चावल का आटा इसके अंदर डाला है, चावल का पानी डाला है जो कि हमारे एज साइंस को दूर करता है और जितनी भी एक्ने से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनको दूर करता है। रॉ मिल्क हमारी रंगत को बढ़ाता है और जो हमने इसके अंदर गुलाब डाला है वो हमारी स्किन से एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही एज साइंस को भी दूर करता है। तो अब ये देख सकते हैं आप, लगभग 2 या 3 मिनट के अंदर ही आपको ये गाढ़ा दिखाई देने लग जाएगा और जैसे ही आपको ये ऐसा लगे कि लोशन की फॉर्म में आ गया है आप अपनी गैस को बंद कर दीजिए। इसको आप उठा कर रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर ही उठा के रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक कटोरी में कर कर रख लिया है। आप इसे अपने चेहरे और अपनी पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस क्रीम को अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी स्किन निखर कर आएगी। साथ ही मैं बता दूँ ये लगाने के बाद हल्की सी चिपचिपी लगेगी, तो इसको लगाने के बाद आप एलोवेरा जेल को अप्लाई करें जो कि आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो जितना ज़्यादा आप इस क्रीम को अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी स्किन निखर के आएगी, आपके चेहरे पे जितने भी एक्ने के निशान है वो भी दूर होंगे और साथ ही साथ जितने भी एज साइंस हैं वो भी दूर होंगे। तो इससे अच्छी क्रीम आपको और कहाँ मिलेगी। इसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आप चाहें तो इसको दिन में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप इसको रात में लगाएं, क्योंकि दोस्तों रात में बहुत चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि हमारे घर में पॉल्यूशन, धूल, मिट्टी ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। साथ ही साथ जब हम रात में सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती है। तो हम क्या करें दोस्तों, उस टाइम क्या होता है जब हम कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं अपने चेहरे पे तो हमारी डीप लेयर तक जाती है और बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप जो भी अपना नाइट रूटीन फॉलो करते हैं उस रूटीन में आप ये जो क्रीम है उसको शामिल कर लीजिए और रात में आप इसको लगा के सोएं। दोस्तों आप जो देखेंगे कुछ टाइम में ही आपको इसके इफ़ेक्ट्स महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव क्रीम है दोस्तों, आप ये बनाकर रखिए, इसको यूज़ करें और इसके रिजल्ट कैसे हैं आप प्लीज़ मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप दोस्तों ये जो क्रीम मैंने आपको बताई है आप इसको ज़रूर बनाएंगे, इसको अप्लाई भी करेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बहुत सारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देख पाएँ। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड्स में, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों शेयर करने से जब दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है तो उन लोगों को भी फायदा मिलता है और जब वीडियो शेयर होती है तो मुझे भी फायदा मिलता है। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।